कैसा बना पिज्जा बताओ? टेस्टी। हाँ? टेस्टी टेस्टी। टेस्टी टेस्टी पिज्जा खाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होम मेकर सपना ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अभी देखिए किचन में हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं होममेड पिज्जा, घर में पिज्जा कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है पिज्जा बेस, बीकानेर का है, 50 रुपया दाम है। 50 रुपया में दो है, ये एक पैकेट में दो पिज्जा बेस है। और ये है चीज, इसकी कटिंग हो रही है, इसमें चीज पड़ेगा। और ये बारीक कटी हुई प्याज, 4 से 5 प्याज है मीडियम आकार का, दो प्याज। और ये शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च। और ये है मकई भुट्टा, कॉर्न है, कॉर्न कच्चा वाला, खिच्चा खिच्चा है ये। ये है, और इसमें ये खीरा भी है, और चुकंदर है, गाजर है, इतना चीज है। ये सारा तैयारी जो है हो चुका है। और इसमें इसमें जीरा और मरीच, रेगुलर मरीच, और लाल मिर्च को थोड़ा सा इसको गरम कर दिए थे इसमें, उसके बाद मिक्सी में पीस के इसमें रख दिए हैं। ये बाद में यूज होगा जब पिज्जा बनेगा तब। ये चीज की कटिंग हो चुकी है। यहाँ एक पैन लिए हैं, और इसमें सरसों का तेल और थोड़ी सी जीरा। जब जीरा चटकने लग जाए, अभी चटक रहा है, जब चटकना बंद हो जाएगा तब इसमें प्याज पड़ेगा। इसको चलाएंगे थोड़ा सा, ये इस तरह से फ्राई करना है प्याज को। अब ये हो गया है, इसे ज्यादा नहीं करना है। अब जितनी सारी सब्जियां थी वो सब इसमें डला गया। अब इसको फिर जब फ्राई करना है, अब इसमें जाएगा नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग। अच्छी तरह से मिला देंगे। ये टमाटर पड़ा है बाद में, उस समय भूल गए थे, जिसमें सारी सब्जियां इसमें डाले थे उसी समय टमाटर भी डालना था, बट कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी टमाटर डाल रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी इसमें लगेगा कलर के लिए, थोड़ी सी धनिया, ज्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि जो भी मसाले डाले हैं सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें अच्छा से भुन जा जाए, कच्चापन ना रहे इसमें। अब मसाला भुंजा गया है। और गाइस, मेरे घर में ओवन नहीं है, ये बिना ओवन का बन रहा है, इसे फ्राई हुआ। अब देखिए इस कुकर में बनने वाला है हमारा पिज्जा, एकदम देसी स्टाइल में। देखिए इस तरह से ये पानी छोड़ दिया है, इसमें पूरा आंच जो है कम किया हुआ है। इसको सिझाना, क्योंकि ओवन है नहीं, तो जितना सब्जी है सब इसी में सिझाना है मुझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ढक देंगे, कोई चीज से भी ढक सकते हैं। अब ये हो गया तैयार, इस तरह से रखना है। अब दो पिज्जा बेस है तो इसको हाफ हाफ कर दे रहे हैं, पहले आधा एक पिज्जा बेस पे रखाएगा और आधा एक पिज्जा बेस पे। हो गया,
जितना सब्जी था पूरा हाफ हाफ हो गया दो भाग में। ये पूरा बीच चुका है। बहुत इजी है बनाना। इस तरह बढ़िया से पूरे पिज्जा बेस पे इसको फैला देना है अच्छी तरह से। अब उस पे चीज रखाएगा, ये देखिए। इससे उठा उठा के उसमें सब रखा रहा है। पूरा जितना फैला हुआ है सब्जी, पूरे सब्जी पे चीज को फैला देना है। एक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ये दूसरा पिज्जा बेस है, अब इस पे रखाएगा। अभी दूसरा भी इसी तरह से बनेगा। इसको भी उसी तरह से पूरा फैला दिया जाएगा। अब ये तैयार हो गया। अब हम कुकर चढ़ाए हैं, इसको गर्म होने दे दिए हैं गैस पे। ये कुकर गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा तेल डाले हैं ताकि ये सटे नहीं पिज्जा बेस। इसमें ये इस तरह से अब इसको ढक देंगे ताकि ये सीज जाए अच्छी तरह। और गैस को बिल्कुल मध्यम कर दिए हैं, जितना कम से कम हो सके उतना गैस को कम कर दिए हैं। इसका फ्लेम हाई पे रखने पे ये जल सकता है। बाकी हमारा सब ये 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसको निकाल के देखते हैं, पिघला नहीं है अभी ये चीज है ऐसे निकालना। ये देखिए ये बन गया पिज्जा। ये तैयार पिज्जा है और ये भी तैयार होने वाला है। ये हो गया पिज्जा तैयार एक, और अब दूसरा जा रहा है बनने। इसमें थोड़ा सा तेल पड़ा है और ये हो गया। अब ये भी इसी तरह जैसे वो वाला बना है उसी तरह अब ये भी बन जाएगा। ये कुकर का सीटी निकाल दिए हैं, लेकिन रबर है, इसमें सीटी नहीं लगाना है, बस भाप में पका देना है इसको। ये आ गया हमारा पिज्जा तैयार है एकदम। अब पिज्जा कटर से इसको पहले कट कर देंगे। देखिए मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं अब खाने में कैसा लगेगा। ये क्या ओरिगानो? ये हमारा होममेड पिज्जा तैयार है। और ये हमारा होम चिली फ्लेक्स, इसमें जीरा और गोल मरीच भी डाला हुआ है। बहुत अच्छा तो ओरिगानो। और गैस नहीं रहा था। अब इसको खा के पहले देखते हैं कि ये कैसा है। क्या मार्केट का भी पिज्जा फैल इतना टेस्टी बना है। यह होममेड पिज्जा घर में बना, वो भी बिना ओवन का, कुकर में बनाए हैं। खाने में बहुत टेस्टी है। आप लोग भी फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तुम मस्त चीज़ है।
क्यों,